मेरे साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक था भिखारी, सुबह सुबह भीख मांगने निकलता। तो उसके अंदर यह आत्मविश्वास था कि अगर मेरी झोली खाली होगी तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसने क्या किया, अपने घर से ही एक मुट्ठी जौ लिया और अपनी झोली में उसने डाल लिया। डालकर घर से बाहर निकला। कुछ दूर चला, उसने देखा सड़क पर राजा की सवारी आ रही थी। अब तो उसकी खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं था कि आज तो राजा मुझे बहुत भीख देंगे, मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा। मन में नई नई कल्पनाएं करते हुए उसके सामने वो जा रहा था। अचानक राजा की सवारी और पास आई। अब तो उसके दिल की धड़कने थक 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 बड़ी तेजी से धड़कने लगी। मुझे तभी बहुत कुछ मिलेगा, बहुत खुश हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था। तो उसने देखा राजा की सवारी इसके पास में आ गई। और जब राजा की सवारी इसके पास आई, राजा अपने रथ से उतरा और राजा ने क्या किया, अपनी बहुमूल्य चादर जो उसने ओढ़ रखी थी उसने उस भिखारी के आगे ऐसे करके फैला दी और उससे खुद भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा मांगने लगी, मुझे कुछ दो। अब भिखारी तो सन्न रह गया कि भाई राजा मुझसे भीख मांग रहा है। अब क्योंकि भिखारी की तो देने की आदत थी ही नहीं, अब वो हमेशा लेता ही रहता था, किसी से कुछ कुछ देता तो था नहीं, तो देने के उसके अंदर संस्कार ही नहीं थे। लेकिन राजा तो अपनी झोली फैलाए उसके सामने खड़ा। तो भिखारी ने बड़ी हिम्मत करके अपनी झोली से जो उसने एक मुट्ठी जौ डाला हुआ था उसमें से गिनकर केवल चार दाने उसने क्या किए, राजा की चादर में डाल दी और राजा आगे बढ़ गया। भिखारी चला गया आगे भीख मांगने। उसने देखा राजा ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं बल्कि मुझसे भीख लेके चला गया। अब हालांकि बच्चों उस दिन उसको रोज की अपेक्षा बहुत भीख मिली, लेकिन फिर भी उसको पूरा दिन अपने उन चार दानों के लिए बड़ा मलाल था कि मैंने वो चार दाने राजा को दे दिए, ना दिया होता तो कितना अच्छा होता, वो चार दाने भी मेरे पास होते। अब घर आया, घर आके उसने अपनी झोली को पलटा और जब झोली को पलट दिया तो उसने देखा उसमें चार दाने जौ के सोने के हो चुके थे, सोने के बन गए थे। अब वो बहुत पछताया, काश मैंने पूरे दाने जौ के राजा को दे दिए होते तो ये सब के सब सोने के बन जाते। अब वो चार दाने जौ के जो थे वही उसकी गरीबी को मिटाने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन बच्चों कहते ना, देने से कभी कुछ कम होता नहीं है, देने से बल्कि हमेशा बढ़ता ही है। दूसरी बात, जो देने वाला होता है वो लेने वाले से कहीं सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि देखो देने वाले का हाथ क्या है, ऊपर है, लेने वाले का हाथ क्या है, नीचे है। जो नीचे था नीचे है नीचे ही रहेगा, और देने वाला तो हमेशा ऊपर था, ऊपर है, ऊपर ही रहेगा। तो दूसरी चीज़, देने से कभी कुछ कम नहीं होता और देने वाला सर्वश्रेष्ठ होता है। यहीं पर मुझे एक बात याद आ गई कि एक बार क्या हुआ कि एक थे, दानवीर का नाम नहीं याद आ रहा है, वो बहुत दान करते थे। तो उनसे हमने पूछा आप कितने दानी हैं, इतना दान करते हैं। उनकी सज्जनता देखो, उन्होंने नजरें झुका करके कहा देने वाला कोई और है, भेजत है दिन रैन, और लोग शक मुझ पर करें ताते नीचे नैन। कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसका नाम बच्चों मुझे, कि वो उसने कहा कि मैं कौन होता हूँ देने वाला, देने वाला तो भगवान है, वो दिन रात भेज रहा है और वो दे रहा है, लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। और तीसरी बात बच्चों जो मैं आपसे बताना चाहती थी कि अंधेरे में छाया बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया कभी काम नहीं आती है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, किसी को कुछ दे सको जरूर दो, जो आपसे आप दूसरे की मदद कर सकते हो जिस तरीके से भी, तो उसकी मदद जरूर करो, हर एक के काम आने का प्रयास करो, और यही पुण्य कर्म हमारे आगे काम आता है। देखो बच्चों, अगर हम एक अमरूद का लालच छोड़ करके उसे ज़मीन में गाड़ देते हैं तो क्या होता है, वो हज़ारों गुना वो करके हमें मिलता है ना। तो उसी तरह देने से कभी कम नहीं होता है, अपनी सामर्थ्य अनुसार हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों को देना चाहिए।
अच्छा बच्चों, हम सभी फिर मिलेंगे। सबको भाई टाटा बाय बाय, सबको नमस्कार।